आज आपके मन में जो भी इच्छा है वो पूरी होने वाली है। बहुत मंदिर पुराना है। इस मंदिर में हम लोग बचपन में खेलते थे। मंदिर के आजू बाजू में। हाय, दिस इज सागर एंड वेलकम टू अवर चैनल सफर विद सागर। सो आज के हमारे सफर की पहली शुरुआत करते हैं विघ्नहर्ता के द्वार से। कहते हैं कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके आशीर्वाद के बिना नहीं होती। सो हम भी आज पहला हमारे चैनल का पहला सफर है, हम सिद्धिविनायक से शुरू करते हैं। सो जो मुंबई से उन्हें पता है सिद्धिविनायक मंदिर कहाँ है, और जो मुंबई के बाहर है उन्हें पता नहीं है। तो ये वीडियो दोनों के लिए, कुछ चीज़ें आप लोगों ने भी मिस की होगी तो ये वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको कुछ चीज़ें इस वीडियो के दौरान ऐसी पता चलेगी जो आप लोगों ने ज़रूर मिस की होगी। तो आज हमारे पहले सफर में हमारा साथ दे रहे हैं, ये मेरा फ्रेंड है प्रशांत। प्रशांत से हाय। हाय। सो निकलते डायरेक्ट, वी विल मीट ऑन सिद्धिविनायक। चुके सिद्धि विनायक विघ्नहर्ता के द्वार गणपति बप्पा मोरिया। ये जो सिद्धि विनायक मंदिर है, आज से 200 साल पहले लक्ष्मण वीटू और देवभाई पाटिल के द्वारा बनाया गया था। कहते हैं लक्ष्मी पाटिल, जिनकी कोई संतान नहीं थी, वो चाहती थी यहाँ पे मन्नत मांगने से लोगों की गोद भर जाए, और इस मंदिर का निर्माण हुआ था 19 नवंबर 1801 में। और इस मंदिर में ये भी कहा जाता है कोई भी सच्चे दिल से यहाँ पे मन्नत मांगे तो गणेश जी उनकी मन्नत ज़रूर पूरी करते हैं। और इस सिद्धि विनायक की और एक खास बात है, जो गणेश जी की मूर्ति होती है उनके आप जो ट्रंक देखेंगे, जो सोंड होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में होती है, इनकी जो सोंड है, जो ट्रंक है वो राइट हैंड साइड में, इसलिए इसे मराठी में कहा जाता है नवसाला पावणारा गणपति। की सफलता है वो सिर्फ सिद्धिविनायक मंदिर के वजह से और गणेश जी की कृपा के वजह से। ये दर्शन के लिए लाइन है, जो आप बुकिंग करके आओगे तभी इस लाइन में आपको दर्शन मिलेगा। सो शायद अंदर मोबाइल अलाउड नहीं, तो अंदर शूट नहीं कर पाऊंगा, दर्शन के बाद मिलते हैं। जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाते हो, आपको ऐसा महसूस होता है कि गणेश जी स्वयं आप ही को देख रहे हो, और आप भी मन ही मन उनसे बातें कर रहे हो। इस मंदिर के अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि आप बाहर की दुनिया को पूरी तरह भूल जाते हो। दर्शन हो गए हैं,
और लेकिन दर्शन में मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी दर्शन का स्लॉट बहुत अच्छा किया हुआ है इन लोगों ने, और बताना चाहूँगा कि आप मंदिर में, जैसा अभी मेरा स्लॉट का टाइमिंग था 10 से 11 का, तो 10 से 11 के बीच ही आपको दर्शन हो जाएगा। तो आपको जब भी आना है आप बुकिंग करके आना, जो एप्लीकेशन है सिद्धिविनायक का उसमें बुकिंग करके आ जाना, वो आपको बेटर रहेगा। और सो जैसे आप मंदिर के अंदर जाते हो, सिद्धिविनायक की जो मूर्ति है उसके साथ रिद्धि देवी और सिद्धि देवी विराजमान है। अब ये रिद्धि और सिद्धि देवी कौन है? तो ये है ब्रह्मा जी के डॉटर्स, जिनकी शादी गणेश जी से हुई थी, और इन्हीं के साथ गणेश जी को दो बेटे जिनका नाम है शुभ और लाभ। और रिद्धि और देवी, रिद्धि देवी और सिद्धि देवी जो धन, सफलता, ऐश्वर्य और मनोकामना पूरी करती है। सो हम लोग यहाँ पे जब ब्लॉग शूट कर रहे थे गार्डन के यहाँ पे, तो हम एक अंकल मिले, तो वो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे, तो उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। और मंदिर पुराना है, इस मंदिर में हम लोग बचपन में खेलते थे। मंदिर के आजू बाजू में कुछ नहीं था, बीच में साइड में एक रोड था, वो रोड पर बस भी चलती थी, लेकिन बाद में मंदिर का जब तक बढ़ने लगा तभी वो रोड बंद किया और म्युनिसिपैलिटी ने बंद करके उधर मंदिर को जगह दिया। ये मंदिर पुराना है, पाटिल करके नाम किया हमारे काश का आदमी है, उसका ये मंदिर है। ये मंदिर उसको जब तक गवर्नमेंट ने उसके हाथ में लिया और उसको बोला कि तुमको चाराना हिस्सा दिया गया, लेकिन वो आदमी को चाराना हिस्सा समझ में आया नहीं, तो उसको गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, वो मंदिर के सामने ही रहता आदमी, उसका वो आदमी अभी तक बीमार भी है वो, लेकिन गवर्नमेंट उसको अभी कुछ नहीं दे रहा है। ये मंदिर जब भी अमिताभ बच्चन कुली में उसका एक्सीडेंट हो गया था, तभी अमिताभ बच्चन उसको अपने मन से उसको बोला कि ये मंदिर में जरूर मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा तो मैं आ जाए, तभी से अमिताभ बच्चन के नाम से वो मंदिर बहुत फेमस हो गया। अमिताभ बच्चन बांद्रा से चल के यहाँ से दो दबे आया, तो उसके पीछे बहुत भीड़ था, तो गवर्नमेंट उसको बोला कि अभी तुम चल के मत गाओ, बहुत भीड़ आता है तो हम लोगों को उसको कवर करने को मिलता नहीं, तुम ऐसा आ जाना। तो अमिताभ बच्चन अभी तक उसका पूरा फैमिली ये लोग यहाँ से आके जाता है हमेशा दर्शन करने के लिए, हमेशा वो लोग पूरा फैमिली आते हैं, बहुत सारे मंत्री लोग, आमदार, खासदार सब लोग आते हैं, और एक्टर लोग सब आते हैं यहाँ से। अभी पीछे उसके गार्डन था, वो मेट्रो के अंडर चला गया है, मेट्रो के अंडर चला गया के बाद हम लोग को सीनियर सिटीजन के लिए छोटा गार्डन दिए ले, हम लोग वहाँ पे बैठते हैं सीनियर सिटीजन। अभी मेट्रो के हाथ में गया तो मेट्रो बोला है कि हम लोग को पूरा करके देने वाला है और सिद्धिविनायक स्टेशन बनने वाला है, तो बाद में उन लोगों को आदमी लोग को आने के लिए बहुत सुविधा होगी। तो इनके थ्रू हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चली। अंकल आपका नाम? मेरा नाम वसर केणी। वसर केणी, ये जस्ट मंदिर के बैक साइड जो गार्डन है यहीं पे है वो? यहाँ पे मैं कुछ मोहब्बत नहीं लेते हैं, खुद सेवा कर रहा है इधर। ओके हाँ। तो ये यहाँ पे सेवा करते गणेश जी के, तो मैं यही दुआ करूँगा कि जल्द से ये मेट्रो का स्टेशन भी बन जाए और बहुत लोगों को आने में कोई प्रॉब्लम्स ना, वैसे तो अभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो आपके द्वारा हमें बहुत इन्फॉर्मेशन है अंकल, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो इसी के साथ ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा रहेगा तो भी बताना, बुरा रहेगा तो भी बताना, अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था। सो प्लीज़ गणेश जी के साथ आप लोगों के भी आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और उस बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करना, ताकि जब भी मैं ऐसे ही नए सफ़र के लिए निकलूँ आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो मिलते हैं हमारे अगले सफ़र में, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, और अपना ख्याल रखिए, कोरोना अभी तक गया नहीं है तो मास्क पहनिए, वेयर अ मास्क, तो मास्क कंपलसरी पहनिए कहीं पर भी जाते समय। टिल देन ऑलवेज बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप लाफिंग, टेक केयर, बाय बाय।